खतरनाक हुआ नाथ बाबा घाट। डूब गया शिक्षक का इकलौता पुत्र, अंतिम सोमारी पर गया था स्नान करने। बक्सर के नाथ घाट पर गंगा स्नान करने गए युवक सोमवारी की सुबह डूब गया। हालांकि उसके शव की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लोग ऊपर वाले से चमत्कार की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि डूबने वाला युवक शिक्षक श्री भगवान राय का इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता के साथ ही मंदिर गया था, अंतिम सोमवारी थी, इसलिए लोग शिव मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। वह भी मंदिर आया था। नहाने के दौरान सुबह 9 से 10 बजे के मध्य यह दुर्घटना हो गई। युवक का नाम लकी राय बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 18-19 वर्ष थी। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोमवारी होने के कारण वह पहले से लोग जमा थे। जिसने सुना वह मौके की तरफ भागा आया। सूचना पर प्रशासन टीम पहुंची, लेकिन गोताखोरों की कमी सबको खल रही थी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जबकि संग्रीट होता नाथ घाट और तट के किनारे बने सिंड के कारण यह घाट कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया है। दूसरी तरफ इस दिनों पानी बढ़ा हुआ है। गंगा की सीढ़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ऐसे में आगे जाना बेहद खतरनाक हो गया है। सूचना के अनुसार दोपहर 12 बजे तक शव बरामद नहीं हो पाया था। यह परिवार शहर के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में रहता है। मूल रूप से यह लोग राजपुर थाना के तिवाय गांव के निवासी हैं। सिटी न्यूज बक्सर से राज रंजन। सर, आज आखिरी सोमवारी है, यहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रहा है नाथ बाबा मंदिर के पास। यहाँ पे देखा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि बच्चा भी डूब गया है। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई पुलिस का अधिकारी नहीं है, ना कोई पुलिस है। अभी मैं तो जस्ट आया, मैं भी मतलब बाबा के दर्शन करने के लिए, तो मुझे पता चला कि एक महिला है जो चिल्ला रही है, उनके भाई जो लगभग 18 वर्ष की उम्र के थे, तो उनका डूब कर मतलब गंगा जी में डूब गए। एक भी आप देख लीजिएगा, आप चारों तरफ कोई भी प्रशासन का एक भी अगर मतलब जो होम गार्ड जी जैसा मतलब कोई पुलिस नहीं है यहाँ पर। और आप यहाँ संख्या देखिएगा तो कम से कम कई हज़ार लोग सुबह से 3 बजे से ही सुबह से लोग आ जा रहे हैं, तो कोई भी मतलब प्रशासन का यहाँ दायित्व तो नहीं है। लगता है कि मतलब कुछ आज है ही नहीं, प्रशासन को पता ही नहीं क्या सोमवारी है, कि ये महीना सावन का चल रहा है कि अगन का चल रहा है, कुछ पता नहीं। तो इस स्थिति में सरकार की जिम्मेवारी सरकार क्या, यहाँ के प्रशासनिक विभाग DM साहब SDM साहब के बगल में ही आपका चेंबर में आप देख रहे हैं, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 2-4-5 प्रशासन रहे, ताकि लोगों की जागरूकता रहे कि चलो प्रशासन आगे नहीं जाना है। तो ये बच्चा का मतलब डूब कर निधन हो गया जो 18 वर्ष का है, और दहाड़ कर उनकी बहन जो रो रही है, और कोई अभी तक 3-4 बार फोन किया गया, लगभग 40 मिनट हो गया, प्रशासन का कोई भी आज सूचना देने के बाद भी अभी उपस्थिति नहीं हो पाया। तो ऐसे स्थिति में चारों तरफ किसी का चैन छीन लिया जा रहा है, किसी को कोई बैग लेकर चला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको बोर्ड जो आपको प्रशासनिक बोर्ड जो रहना चाहिए, एक भी प्रकार का बोर्ड यहाँ पर नहीं है। तो ये मतलब एक लापरवाही नहीं है, घोर लापरवाही। अभी देखिए प्रशासन के अभी इतना सूचना देने के बाद ये लोग आ रहे हैं, और SDM साहब के द्वारा जो मैं अभी देखिए दो लोग आ रहे हैं। सर, मैं इंडियन नेवी में हूँ, पूछना नहीं होता है। तो इसलिए ये स्थिति जो है बहुत ही मतलब कि बहुत ऐसा हर रोज ये घटना घटित रहती है। लेकिन सर, मर रहा है बच्चा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं शिक्षक हूँ।